हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सोनाली और नेहा एक ही कॉलोनी में रहती थी। सोनाली एक बिजनेसमैन की बेटी थी, जबकि नेहा एक पुलिस वाले की बेटी थी। उसके पिता की मौत कुछ दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में हो गई थी। नेहा के परिवार में उसकी माँ ही थी, जो हमेशा नेहा की हिम्मत बनी रहती थी। नेहा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। उन्हें दो वक्त की रोटी भी जुड़ाना मुश्किल हो रहा था। उसकी माँ अपना घर चलाने के लिए कॉलोनी में प्रेस का काम शुरू करती है। कॉलोनी के बच्चे अब नेहा के साथ नहीं खेलना चाहते थे। सब उसकी गरीबी का मजाक बनाते रहते थे, लेकिन सोनाली ने आज भी नेहा के साथ अपनी दोस्ती बना रखी थी। वह उसकी गरीबी का मजाक कभी नहीं बनाती थी। चिल्ड्रंस डे आने वाला था। कॉलोनी के लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की घोषणा होती है, और वहीं लड़कियों के लिए गुड़िया प्रतियोगिता की। सभी लड़कियां अपने अपने माता पिता को गुड़िया लाने के लिए कहती हैं। कॉलोनी के सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। सब एक से एक महंगी गुड़िया खरीद रहे थे। नेहा भी अपनी माँ से गुड़िया लाने का अनुरोध करती है। नेहा की माँ बहुत चिंतित हो जाती है। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक गुड़िया खरीदे, इसलिए उन्होंने पुराने कपड़ों और बेकार सामान से नेहा के लिए खूबसूरत सी गुड़िया अपने हाथों से बना दी। नेहा उसी गुड़िया को सजाने लगती है। एक दिन सोनाली की माँ सोनाली की बार्बी डॉल ला के देती है। सोनाली खुशी खुशी नेहा को दिखाने जाती है। नेहा नेहा, कहाँ है तू? देख, मेरी नई गुड़िया आई है। वाह, तेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। क्या मैं भी इससे खेल सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, ये ले पकड़ और मुझे अपनी गुड़िया दे दे। मुझे तेरी गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। आंटी ने कितना प्यार से इसे अपने हाथों से बनाया है। तभी कॉलोनी के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और नेहा का मजाक बनाने लगते हैं। पूजा कहती है, सोनाली तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी बार्बी डॉल नेहा को क्यों दे रही हो? नेहा की कहाँ इतनी औकात कि वो इतनी महंगी गुड़िया से खेले? ये तो अपनी गंदी गुड़िया से ही खेल सकती है। पास खड़ी सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सोनाली को भी बहुत बुरा लगता है। वो भी अपने घर चली जाती है। सोनाली अपनी माँ से कहती है, माँ मैं नेहा की मदद कर सकती हूँ क्या? सोनाली की माँ पायल सोनाली को प्यार करते हुए कहती है, बेटा आप अपने दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लो। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है ताकि आप अपने दोस्त की मदद कर सके। सोनाली खुश हो जाती है और एक सप्ताह बाद होने वाले बर्थडे पार्टी के लिए अपने कॉलोनी के सभी दोस्तों को आमंत्रित करती है। वो नेहा को भी विशेष रूप से आमंत्रित करती है। वक्त बीतता गया और आज सोनाली का जन्मदिन था। कॉलोनी के सारे बच्चे पार्टी में जाने के लिए उत्साहित थे। शाम होते ही बच्चे तैयार होकर सोनाली के घर पहुंचते हैं। सोनाली का घर बहुत सजा हुआ था, एक बड़ा सा केक भी था। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सब आपस में खेल रहे थे, पर नेहा एक कोने में अकेली बैठी थी। तभी पायल आकर एक घोषणा करती है, कुछ ही देर में केक कटिंग होगी और उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन होगा, इसलिए सब अपने लिए पेपर और कलर हॉल के कॉर्नर से ले लो। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे हॉल के कोने की तरफ घूमने लगते हैं। कुछ समय में केक कटिंग होता है और फिर ड्राइंग कंपटीशन शुरू हो जाती है। नेहा ड्राइंग में बहुत ही अच्छी थी। उसने अपने दोस्त के लिए बहुत ही बढ़िया ड्राइंग बनाई थी। ये देख कर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। पायल कहती है, बच्चों आप सब अपने अपनी ड्राइंग फिनिश करके पेपर में नाम लिखकर जमा कर दें। सारे बच्चे ड्राइंग खत्म करके पेपर जमा कर देते हैं। पायल और कुछ और औरतें बच्चों की ड्राइंग का विश्लेषण करती हैं और नेहा की ड्राइंग को सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग का घोषणा करती है। नेहा प्रतियोगिता की विजेता है, ये पायल बच्चों के बीच घोषणा करती है। वह उसे बुलाती है और कहती है, आओ नेहा तुम अपना पुरस्कार ले लो, तुमने सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई है। बच्चों आप सब नेहा के लिए ताली बजाओ। पायल नेहा को बार्बी डॉल प्राइज में देती है और कहती है, शाबाश नेहा तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। फिर पायल बाकी बच्चों से कहती है, आप सबके पास बार्बी डॉल इसलिए है क्योंकि आपके माता पिता ने आपको ये खरीद कर दिया है, पर नेहा के पास ये डॉल उसके टैलेंट के कारण है।
सभी बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं। साथ ही उन्हें एहसास होता है कि नेहा कितनी टैलेंटेड है। सोनाली नेहा को गले लगाती है और अब सब बच्चे मिलकर पार्टी का आनंद लेते हैं। इस दिन के बाद कॉलोनी के बच्चों ने नेहा को कभी भी उसके गरीब होने का मजाक नहीं बनाया, बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण सबने उससे अच्छे से दोस्ती कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अमीर या गरीब होने से कोई खास नहीं बनता, बल्कि आपका अच्छा स्वभाव और आपका टैलेंट आपको खास बनाता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और किस तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।